हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ओजोन, जिसका फार्मूला होता है O3। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन से जुड़ी हुई कुछ सामान्य बातों पर और उसके बाद हम समझेंगे ओजोन के निर्माण की विधि को। आज की ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओजोन की कुछ सामान्य बातों। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। दोस्तों आप जानते हैं जब एक तत्व का एक से अधिक रूप प्रकृति में उपस्थित होता है तो उन्हें अपर रूप कहते हैं। ऑक्सीजन का एक रूप होता है O2, जिसको डाइऑक्सीजन कहते हैं, और ऑक्सीजन का एक दूसरा रूप होता है O3, जिसको ओजोन कहते हैं। और ये दोनों ही तत्व O2 और O3 ये प्रकृति में पाए जाते हैं, इस आधार पर इन दोनों को हम अपर रूप कहेंगे, यानी कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। ओजोन परत के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। पृथ्वी सतह से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल में इसकी सांद्रता बहुत अधिक होती है। वायुमंडल के इस भाग को ओजोन परत कहते हैं, और आप जानते हैं ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है, और जिससे ये पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी सतह पर नहीं पहुंच पाती। आप जानते हैं कि जो पराबैंगनी विकिरण है वो जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर ये पृथ्वी पर पहुंचने लगे तो इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और साथ ही जीव जंतुओं को बहुत सारे भयंकर रोग होंगे। एक प्रकार से हम कहें तो ये जो पृथ्वी का जीवन है इसको पूरी तरह समाप्त भी कर सकती है। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि ओजोन परत जो है वो हमारे लिए एक सुरक्षात्मक आवरण की तरह है। लेकिन आपने सुना होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस होती है जो कि रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलती है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसके हानिकारक प्रभाव को अगले किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना तो आपको पता ही होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। उम्मीद है कि ये सामान्य बातें आपको पहले से भी पता होंगी और अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं ओजोन के विरचन यानी कि निर्माण पर। दोस्तों ओजोन का निर्माण O2 यानी कि डाइऑक्सीजन से किया जाता है। अब कैसे किया जाता है यही समझने वाली बात है। यहां पर शुद्ध ऑक्सीजन की शुष्क धारा को नीरव विद्युत विसर्जन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, में मंद वेग से गुजारने पर ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए अभिक्रिया देखते हैं और उसके बाद एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने ऑक्सीजन लिया, मतलब ऑक्सीजन गैस, जिसको आप डाइऑक्सीजन भी कहते हैं, और इसको हमने गुजारा नीरव विद्युत विसर्जन से, तो ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो गई। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, और इसके डेल्टा एच का मान होता है -142 किलोजूल पर मोल। उम्मीद है कि ये बातें आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रहेंगी। अब थोड़ा समझते हैं ताकि ये और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ताकि कभी ना भूले। तो देखिए जब भी ओजोन का निर्माण करेंगे तो पहली कंडीशन क्या है कि जो ऑक्सीजन गैस लेंगे ये पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन से ही ओजोन का निर्माण संभव है। दूसरी बात, ये ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन गैस आपने लिया इसमें किसी प्रकार की नमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन गैस शुष्क होनी चाहिए। और साथ में यहाँ पर उपयोग करेंगे हम नीरव विद्युत विसर्जन का। अब क्वेश्चन ये है कि नीरव विद्युत विसर्जन क्या है, जो कि आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों है। तो चलिए देखते हैं अभिक्रिया ऊष्मा शोषी क्यों है। तो इसके अनेक कारण हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो मुख्य कारणों से आपको समझाते हैं। जो डाइऑक्सीजन है, जिसका फार्मूला O2 है, आप जानते हैं इसमें दो ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य द्विआवंध होता है, जिसकी बंध वियोजन ऊष्मा काफ़ी उच्च होती है। तो जब तक इसके बंध को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक यह अभिक्रिया नहीं हो पाएगी,
क्योंकि आप जानते हैं अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। तो क्योंकि O2 में जो आबंध है उसकी वियोजन ऊष्मा काफी उच्च है, इसलिए यहाँ पर ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात कि जो डाई ऑक्सीजन है ये अधिक स्थायी है और जो O3 यानी ओजोन है यह कम स्थायी है। आप जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया उस दिशा में आसानी से आगे बढ़ती है जिधर अस्थायित्व में वृद्धि हो रही हो, लेकिन इस अभिक्रिया में अस्थायित्व में कमी आ रही है क्योंकि O3 अणु O2 की अपेक्षा बहुत कम स्थायी है। तो अस्थायित्व में कमी की ओर अभिक्रिया बढ़ रही है तो यह प्राकृतिक गुण तो है नहीं, तो इसको कराने के लिए हमको उच्च ऊष्मा देना पड़ेगा ताकि O2 जो है वो O3 में परिवर्तित हो जाए। अर्थात जब ऊष्मा देंगे तभी यह अभिक्रिया हो पाएगी और इसलिए कहेंगे कि यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और इसका डेल्टा एच होगा पॉजिटिव। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमने नीरव विद्युत विसर्जन का उपयोग क्यों किया, तो इस बात को समझते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का ओजोन में परिवर्तन ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ये तो आपको पहले ही पता चल चुका है। अतः इस प्रक्रिया में नीरव विद्युत विसर्जन, जिसका अर्थ होता है स्पार्क रहित विद्युत विसर्जन, का उपयोग आवश्यक है। नीरव विद्युत विसर्जन से कम ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे ओजोन वापस ऑक्सीजन में अपघटित नहीं होती है। आप देखें यहाँ पर अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अगर यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होने लगी, यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होने लगी अभिक्रिया के बाद, यानी कि अगर मान लीजिए आपने नीरव विद्युत विसर्जन का प्रयोग नहीं किया, स्पार्क वाले विद्युत विसर्जन का प्रयोग किया, तो अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगी और अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगी तो O3 आसानी से O2 में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है जिधर ऊष्मा का अवशोषण होता हो, तो यदि यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हुआ तो O3 आसानी से O2 में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात जो ओजोन है उससे पुनः आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगी, तो ओजोन ऑक्सीजन में न परिवर्तित हो इसके लिए हमको यहाँ पर नीरव विद्युत विसर्जन का प्रयोग करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करने के लिए विशिष्ट प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे ओजोनित्र या अंग्रेजी में ओजोनाइजर कहते हैं। यहाँ पे एक ओजोनाइजर सिंपल सा है जिसको हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये है सीमेन ओजोनाइजर, इसका फिगर आपको NCERT के बुक में नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि आप बात को अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे जो नीरव विद्युत विसर्जन है उसको प्रवाहित करने के लिए या उसको उत्पन्न करने के लिए ओजोनाइजर की आवश्यकता होती है। आप देखें यहाँ पे टीन की परत लगी हुई है जिसको हमने हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ रखा है। यहाँ से यहाँ पे हाई वोल्टेज करंट हम पास करेंगे जिससे कि यहाँ पे देखें यहाँ पे कहीं पे ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में टच नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे स्पार्किंग होने का कोई चांस नहीं होगा। इधर से ऑक्सीजन को हम पास करेंगे और ऑक्सीजन इधर से गुजरते हुए यहाँ से ओजोन में परिवर्तित होकर बाहर निकलेगी। आप देखें यहाँ पे लिखा है ओजोनाइज्ड एयर। अभी हम बात करेंगे कि ओजोनाइज्ड एयर का क्या अर्थ है। यह जो उपकरण है इसको हम कहते हैं ओजोनाइजर, और यह जो ओजोनाइजर है इसको हम कहते हैं सीमेंस ओजोनाइजर। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इस प्रक्रिया में जो ओजोनाइजर का आपने यूज किया, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की लगभग 10% मात्रा ही ओजोन में परिवर्तित होती है। अर्थात ओजोनाइजर से प्राप्त गैस ऑक्सीजन, जिसको आप डाई ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, और ओजोन का मिश्रण होती है जिसे ओजोनित ऑक्सीजन या ओजोनित वायु या ओजोनाइज्ड एयर भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ओजोनाइज्ड एयर का क्या अर्थ है। क्योंकि ओजोनाइजर से जो हमको गैस प्राप्त होगा वो पूरी तरह से ऑक्सीजन गैस नहीं होगा, बल्कि उसमें ऑक्सीजन और ओजोन दोनों का मिश्रण होगा, तो उसको हम कहेंगे ओजोनाइज्ड एयर। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने किसी विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में।